खबर सनावत मध्य प्रदेश से है। एसडीएम अनुकूल जैन, तहसीलदार शिवराम कनाल से जिला खनिज अधिकारी सावन चौहान की संयुक्त कार्रवाई पर बता दी कि अवैध रूप से रेत का भंडारण कर उसका क्रय विक्रय करने वाले रेत माफियों पर बड़ी कार्रवाई की गई। एसडीएम अनुकूल जैन ने बताया कलेक्टर महोदय के निर्देश पर लगातार शिकायतें मिलने पर विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की जा रही। शहर में लगभग 4 से 5 अलग अलग स्थानों पर रेत का भंडारण क्रय विक्रय किया जा रहा, जहाँ से रेत को जब्त कर रेस्ट हाउस में स्टोर किया जा रहा। आगे की कार्रवाई कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार ही की जाएगी। प्राइम डे की न्यूज चैनल के लिए नीलेश मालाकार, सनावत मध्य प्रदेश। ये संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है और लगातार जो हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही थी वो परिवहन और उत्खनन को लेकर की जा रही थी और लगातार कुछ दिनों से सूचना मिली थी कि यहाँ पर अवैध रूप से स्टॉक हो रहा है और आज बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़वा अनुभाग के अंतर्गत बड़वा तहसील और सनावत तहसील दोनों जगह जो है अवैध स्टॉक जहाँ पर भंडारण की हमें सूचनाएँ मिली थी वहाँ सभी पर एक साथ हमने जो है सुबह जो है जल्दी वहाँ पर जाकर कार्रवाइयाँ की है। सर लगभग कितना स्टॉक माना जा रहा? देखिए अभी चूँकि कार्रवाई चल रही है और हमारे इसमें कितनी रेत है, कितनी लागत है वो पूरी कार्रवाई के बाद ही हम आपको बता पाएंगे। अभी जांच चल रही है, जब्ती हो जाए, पूरा रिपोर्ट आ जाए कितना हमारा माल जब्त हुआ है, उसके बाद हम आपको बता पाएंगे। जब्ती के बाद इसके आगे की प्रोसीजर क्या रहेगी? इसके बाद की जो कार्रवाई है, जो प्रकरण है, आदरणीय कलेक्टर महोदय को प्रेषित किए जाएंगे और वहाँ से जो नियमानुसार दंड होना है वो होगा। कि आप लोग देख रहे हैं अभी ये स्टॉक जो हमने जब्त किया है उसको हम लोग जब्त कर रहे हैं। यहाँ पर से 15-17 डंपर यहाँ पर रेत अवैध रूप से भंडारित पाया गया है और ऐसे ही हमारी पूरी बड़वा और सनावत क्षेत्र में कम से कम 6-7 जगह जो हम लोगों ने स्टॉक अलग अलग जगह जब्त किए हैं। हमारी राजस्व की टीम हर स्टॉक पर वहाँ पर अभी लगी है, हम सबको अभी जब्त कर रहे हैं, उसके बाद ही मतलब कि टोटल उसकी क्वान्टिटी हम बता पाएंगे। पर अभी ये कार्रवाई सतत रूप से चल रही है और अभी इस बीच में उनको और कोई स्टॉक अगर ऐसा मिलता तो हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। सर ये कार्रवाई प्रशासनिक स्तर पर है या कोई शिकायत पर हुई है? आप दोनों तरीके से मान सकते हो, प्रशासनिक तरीके से और क्योंकि अभी तक जो हमारी जो कार्रवाई का फोकस था अवैध उत्खनन और परिवहन पर था, पर अभी जैसे ही रेत का खनन यहाँ मतलब कि पूरे मध्य प्रदेश में जैसे ही पूरा खनन बंद हुआ तो उसके बाद भी रेत बिकने की शिकायत आई कि अवैध रूप से स्टॉक कर रहे हैं, उसकी शिकायतें मिली है। तो हमारे वरिष्ठ अधिकारी के पास भी कुछ शिकायतें गई, कुछ हमारे पास भी शिकायत थी, तो हम लोगों ने फिर राजस्व अधिकारी के साथ हमने मिल के हम लोगों ने प्लानिंग की, हम लोगों ने कुछ एरिया चिन्हित किए जहाँ से मतलब कि अवैध रूप से मतलब कि रेत बेची जा रही। बस उसके बाद से आज सुबह से हम लोगों ने सभी पे एक साथ सारे स्टॉकों पे एक साथ हम लोगों ने धावा बोल के और जब्त कर लिए हैं। बस अब आगामी कार्रवाई की जा रही है। सर कितने लोगों की टीम लगी हुई है वैसे इस कार्रवाई?